बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एज़ यू ऑलरेडी नो, द नेम ऑफ आवर टॉपिक इज वाटर एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 141 पर यह सब टॉपिक शुरू होता है, तो आइए शुरू करते हैं। लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। यू हैव लर्न्ड इन चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। Plants use a part of this water as water to prepare their food and retain some of it in their different parts. Remaining part of this water is released by plants into air as water vapor through the process of transpiration. Do you remember observing transpiration of water by plants in activity 4 in chapter 7? Water vapor enters the air through the process of evaporation and transpiration. Is it lost forever? No, we get it back again, as we will see. So dear students, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि प्लांट्स जो हैं उनको ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और ये जो पानी है इसमें से एक हिस्सा पौधे अपनी ग़िज़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कुछ हिस्सा पानी जो है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर रहता है, और बाकी का जो पानी बचता है उसे ये पौधे वाटर वेपर्स की शक्ल में हवा में खारिज कर देते हैं, और इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा। तो अब ये जो वाटर लॉस होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन और इवापोरेशन, क्या सच में ये पानी लॉस होता है? क्या ये खो जाता है, वापस नहीं आता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पानी जो है जो हवा में चला जाता है ये वापस हो फिर ज़मीन पर आता है थ्रू वाटर साइकिल। तो उसमें क्या है कि ये जो पानी है ये ऊपर जाकर बादल बनते हैं, और वो बादल जो हैं जब ठंडे हो जाते हैं तो वो ज़मीन पर बारिश बनकर बरसते हैं। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्मड। अब क्लाउड्स कैसे बनते हैं उसके लिए हम ये एक्टिविटी करेंगे। टेक ए ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर, वाइप द ग्लास फ्राम द आउटसाइड विद ए क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। Add some ice into the water. Wait for 1 or 2 minutes. Observe the change that take place on the outer surface of the glass. Figure 14.6. From where do water drops appear on the outer side of the glass? The cold surface of the glass containing iced water cools the air around it, and the water vapor of the air condenses on the surface of glass. We noticed this process of condensation in activity 7 in chapter 5. अब हमें एक्टिविटी में क्या करना है, हमें एक ग्लास लाना है जिसमें आधा पानी से भरा हो, और इस ग्लास को हम बाहर से क्या करेंगे, अच्छी तरह एक कपड़े के साफ टुकड़े से इसको साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, और उस हाफ फिल्ड वाटर जो है ग्लास वाटर उसमें आप आइस डालेंगे, कोरा डालेंगे, और कुछ मिनट इसका इंतज़ार करना है। फिर आप देखेंगे कि जो ग्लास की बाहर की सरफेस है उसमें छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं वाटर के। अब ये वाटर के ड्रॉप्स कहाँ से आए? असल में क्या होता है, ग्लास के आसपास जो हवा थी उसमें वाटर वेपर्स थे, जैसे ही वो इस ग्लास के साथ कांटेक्ट में आए, क्योंकि ग्लास जो है कोहरे की वजह से काफ़ी ठंडा हो चुका था, तो इसके साथ जैसे ही वो वाटर वेपर्स ने टच किया वो कंडेंसेशन हुई, तो वो ठंडे होकर पानी के ड्रॉप्स बन गए। तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, और ये चैप्टर 5 की एक्टिविटी 7 में भी आपको समझाया गया है। The process of condensation plays an important role in bringing water back to the surface of earth. How does it happen?
एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर व्हेन द एयर मूव्स अप इट गेट्स कूलर एंड कूलर एट सफिशिएंट हाइट्स द एयर बिकम्स सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंसेस टू फॉर्म टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स इट इज these tiny droplets that remain floating in air and appear to us as clouds.